आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, सी अपॉन लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। दूसरा फॉर्मूला वर्क फंक्शन का, एच न्यू नॉट और एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू एस सी अपॉन लैम्डा। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है, जो इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, जो फोटोन गिरेगा उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में यूज होगा और रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसी भी सरफेस पर टोटल कितनी एनर्जी गिर रही, नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी निकल आएगी। फॉर्मूले क्लियर हैं? एक और था हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल ई वी नॉट। वी नॉट होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जब चाहे तब हम यहां पे एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट भी लगा सकते हैं। चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आओ। वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁴ हर्ट्ज। इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दो चीजें हमें निकालनी है, फटाफट बताओ कैसे करेंगे। वेरी गुड, पहले ई निकाल लेंगे। ई जब आ जाएगा तो उसे यहां रख देंगे, तो डब्ल्यू मालूम है, ई मालूम है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, निकालो ई। लेकिन याद रखना W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना। E हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। ये रहा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 8 हो गया, ये 33, 4, 3। −34 में से 14 गया, −20 +19
चार से डिवाइड करो, फोर टू जा एट, फोर जा 16, फोर सेवन जा 28, फोर फाइव जा 20। 10 पावर माइनस 1, तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया ई। नाउ इक्वल डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 2.475 इक्वल 2.14 प्लस काइनेटिक एनर्जी। 2.475 में से 2.14 लेस करो, 0.335 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप आंसर लिख सकते हो, बट अगर इसे आगे कहीं यूज करना होगा तो इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल क्या होता था, ई वी नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल ई वी नॉट। कन्वर्ट करेंगे इसे, जूल में E की वैल्यू इनटू में वी नॉट, तो वी नॉट आ गया 0.335 वोल्ट। ये आपका आंसर है। कोई परेशानी किसी को?